सोसाइटी 15,000 लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक स्टाफ भी है। और हम लोग उन पेशेंट्स को केयर देते हैं जो पेशेंट्स जिनकी जान खतरे में होती है, इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है कि उनकी जान को खतरा होता है, वो इंटेंसिव केयर यूनिट में आते हैं। आज से 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था हमारे देश में, तब इंटेंसिव केयर का इतना लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है, बट कोरोना के बाद में बच्चा बच्चा जानता है कि आईसीयू में क्या होता है। वेंटिलेटर, हार्ट की सपोर्ट, ये सब आईसीयू में दी जाती है। एक्मो दिया जाता है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो किडनी की थेरेपी होती है, डायलिसिस वो की जाती है, तो भी रिप्रेजेंट है। हमारी सोसाइटी 93 में 9 अक्टूबर को एस्टेब्लिश हुई थी, आज हम 28 फाउंडेशन डे मना रहे हैं। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली इसलिए कि 2 साल बाद हम लोग फिजिकली मिल पाए हैं, बट इसलिए ऑल्सो कि ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स वी लॉस्ट मेनी ऑफ आर कोलीग हु लेड देयर लाइफ इन द फ्रंट लाइन। तो क्रिटिकल केयर के कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान करी है इस मरीजों को, इस कॉज को ट्रीट करने के लिए, मरीजों को ट्रीट करने के लिए। तो आज का दिन हम उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और हमारे हमने उनके कुछ लोगों की फैमिलीज यहाँ पर आ पाई हैं, उनके भी आभारी हैं, उनकी फैमिलीज को भी सम्मानित करेंगे।